नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्रोकर में। किसान साथियों, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है मिट्टी बचाओ। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कई वर्षों से हमारी फसल में रासायनिक उर्वरक का अंधाधुंध तरीके से उपयोग करते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता होती जा रही है और हमारी जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। किसान साथियों, इस समस्या से निपटने के लिए कि किस तरीके से हमारी बंजर होती हुई जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जाए और कौन सा प्रोडक्ट डाला जाए, उसके लिए सोमनाथ कंपनी ने एक ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है जिसके उपयोग करने से आपकी जमीन और फसल दोनों सुरक्षित होगी। किसान साथियों, उस प्रोडक्ट का नाम है सोइल सेवर। इसके गुणों को बताने से पहले मैं आपको पहले जिन किसान बंधुओं ने सोइल सेवर का उपयोग अपनी फसलों में किया उनसे आपको अवगत करवाता हूं। किसान साथियों, अब बात करते हैं सोइल सेवर के गुणों के बारे में। तो किसान साथियों, सोइल सेवर अपने आप में न्यूट्रिशन का भंडार है। किसान साथियों, सोइल सेवर का उपयोग जब आप आपकी फसल में या मिट्टी में करते हैं तो सोइल सेवर आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि सोइल सेवर के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो आपकी जमीन के अंदर न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाते हैं। जो न्यूट्रिशन रासायनिक उर्वरक की वजह से खत्म हो चुके हैं उन्हें बढ़ाने का काम करता है सोइल सेवर। किसान साथियों, सोइल सेवर आपकी जमीन की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। किसान साथियों, सोइल सेवर आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। किसान साथियों, सोइल सेवर आपकी जमीन की संरचना को सुधारता है, आपकी जमीन को मुलायम बनाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जमीन जितनी ज्यादा मुलायम होगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में जड़े ग्रोथ करेगी, जड़े विकास करेगी, और जितनी ज्यादा जड़े विकास करेगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में आपकी फसल उत्पादन देगी। किसान साथियों, तो देर किस बात की, सोइल सेवर का उपयोग आज से ही अपनी फसलों में करें और अपनी मिट्टी और फसल दोनों को सुरक्षित रखें। देर से ही सही लेकिन धीरे 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 रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम करें और सोइल सेवर का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में करें, ताकि आपकी जमीन और फसल दोनों सुरक्षित हो और आपकी जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़े। किसान साथियों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सोमनाथ, जय जवान, जय किसान।